ओके, मल्टीपल मीडिया के लिए सिंपली ऐड हो जाएंगे, दो मीडिया है तो दोनों का वही फार्मूला, इंडिविजुअल फार्मूला जो सीखा था ऐड कर दो, बस एच की जगह टी लिख दिया हम लोगों ने, एच एच हैज बीन रिप्लेस बाय टी, थिकनेस, दैट्स ऑल। तो नॉर्मल शिफ्ट का भी फार्मूला बन गया। इसमें एक पॉइंट और बता दूं मैं, इक्विवेलेंट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अगर की बात करें, जैसे हमने रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का लास्ट में फार्मूला लिखा था ना, एच अपॉन एच डैश, एक्चुअल डेप्थ अपॉन अपर एंड डेप्थ, वो भी ऐड हो जाएंगे, एक्चुअल डेप्थ टी वन प्लस टी टू, अपर एंड डेप्थ टी वन बाई एन वन, ऐसा था ना लास्ट में, देखो मैंने जो ऐड फार्मूला चेंज किया था, एच अपॉन एच डैश लिखा था ना, तो यहाँ पर एक्चुअल डेप्थ ऐड हो गई, टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री, अपर एंड डेप्थ में एन से डिवाइड करना पड़ता है, तो ऐसे वो भी ऐड हो जाएंगे अपर एंड डेप्थ, ऐसा ऐसा रहेगा ना, ये एच हो गया तो ये एच बाई एन, ऐसा था। अभी मल्टीपल मीडिया है तो उसको एक एक करके ऐड करते जाएंगे। तो किसी ने पूछ लिया भाई इसका इक्विवेलेंट इफेक्टिव इंडेक्स निकालो, तो इसकी टोटल थिकनेस टी वन प्लस टी टू ऐड कर दो, अपर एंड डेप्थ के फार्मूले से ये निकाल लो और रेशो निकालेंगे तो इक्विवेलेंट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। इस पूरे स्लैब को अगर हम सिंगल स्लैब से रिप्लेस कर दे दोनों को, एन इक्विवेलेंट और थिकनेस में टी वन प्लस टी टू लिख देंगे, उतने थिकनेस का हमें चाहिए। फिर ठीक है, तो ये आई थिंक एक क्वेश्चन मल्टीपल मीडिया का है बुक में, दो मीडियम का मे बी देयर शॉट। तो देखो एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, एक क्वेश्चन है ये वाला, इसको करने के लिए हम वही फार्मूले की हेल्प ले रहे हैं, देखो डायग्राम की, केस टू जो है ऑब्जर्वर इन डेंसर, सपोज फिश है अंदर या फिर कोई डाइवर है ना पानी के अंदर डाइव कर रहा, तो वो बाहर देख रहा किसी को, तो उसके लिए भी वैलिड होगा। तो फिश इज ऑब्जर्विंग बर्ड इन द एयर, तो रे डायग्राम में देखो ऐसा बर्ड तो यहाँ पर है, तो रे ऐसे गई तो पानी के अंदर बेंड हो जाएंगी नॉर्मल की तरफ, तो उसको क्या कर क्या लगेगा कि दूर है वो, बर्ड इज अवे, सपोज किंग फिशर है वो, किंग फिशर विल अपीयर टू बी अवे देन द एक्चुअल डिस्टेंस, रिस्क होगा उसके लिए, मिस कैलकुलेशन हो जाएंगे। Anyway, तो ये एक्चुअल डेप्थ इज एच, एक्चुअल हाइट इज एच, एक्चुअल डिस्टेंस, और ये अपरेंट डिस्टेंस हो जाएगा। तो अभी हमने जो पीछे फार्मूला सीखा था, एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का रिफ्रेक्टिवनेस, अभी ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में एन में, तो एन हो जाएगा, और ये जो ऑब्जेक्ट है किंग फिशर जो है वो एयर में, एयर का ऑब्जेक्ट का रिफ्रेक्टिवनेस वन हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में उसका वन है, एयर में है बर्ड, और फिश इज इन द वाटर, ऑब्जर्वर इज इन द वाटर, उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन हो जाएगा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अभी एन ऊपर आ जाएगा। अगर ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में बैठा है तो नाउ अपरेंट डिस्टेंस विल बी मोर, नाउ कितना मोर, जो उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है दैट मच टाइम्स ऑफ द एक्चुअल डिस्टेंस, उसमें नीचे था ना एच बाई एन था, जब जब ऑब्जर्वर एयर में था तब एच बाई एन, जब ऑब्जर्वर भी वाटर में है डेंसर मीडियम में तो उसी मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, सपोज डायमंड है ये अंदर तो डबल डिस्टेंस पे दिखेगा, एंड मोर देन डबल दिखेगा, 2.4 टाइम्स मोर हो जाएगा अवे, वाटर में कितना अवे हो जाएगा 4/3 टाइम्स, दैट इज 1.333 टाइम्स ऑफ एक्चुअल डिस्टेंस, 33% दूर दिखेगा। नॉर्मल शिफ्ट में भी वही फार्मूला, एच डैश नॉर्मल शिफ्ट में अभी अपर एंड डिस्टेंस ज्यादा हो गई है, एक्चुअल डिस्टेंस कम है, तो उन दोनों का डिफरेंस विल बी नॉर्मल। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि तुम्हें काम आ सकता है, बट एक क्वेश्चन है उसमें कैलकुलेशन नहीं है, बस ये पूछा है कि ये हाइट ये बढ़ जाएगी क्या हो जाएगी, देखते कौन सा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, क्लियर। तो इसमें एन ऊपर शिफ्ट हो गया और यहाँ पर भी फार्मूला 1/n की जगह एन आ गया, कब, जब ऑब्जर्वर डेंसर में बैठा हुआ है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन है और ऑब्जेक्ट जो है एयर में या वैक्यूम में,
बाकी टर्म तो वही है, अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस, और ये फॉर्मूला हमने डेराइव किया था उसी को यूज कर लिया डायरेक्ट। फार्मूला डेरिवेशन नहीं भी आता तो ऐसे लर्न कर लो बस। तो देखो ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, ठीक है, इसको मैं फिर से दिखा दूं। देखो ये क्वेश्चन देखो, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सी पार्ट है, कोई किसी क्वेश्चन का मैं नंबर में मिस हो गया। उसमें केवल यही बताना है कि उसकी हाइट बढ़ेगी कि घटेगी। डाइवर अंडर वाटर लुक्स ऑब्लिकली एट फिशरमैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। सपोज फिशरमैन ऐसे खड़ा है साइड में बैंक ऑफ द रिवर में, वुड द फिशरमैन लुक टॉलर और शॉर्टर टू द डाइवर देन व्हाट इज एक्चुअल एक्चुअली इज एक्चुअली। तो इतना है वो, यहाँ पर डाइवर है ऑब्जर्व कर रहा उसको, तो उसको शॉर्टर दिखेगा कि टॉलर दिखेगा? वो टॉलर टॉलर दिखेगा, इतनी इतनी हाइट का दिखेगा वो, है ना, 33% टॉलर दिखेगा, 4/3 times। अगर उसकी एक्चुअल हाइट 6 feet है तो 8 feet का दिखेगा वो, क्वाइट है लार्ज हाइट है। Nobody is there. Human being है कोई 8 feet का अर्थ पर? गिनीज बुक में किसका नाम है टॉलेस्ट मैन? तो 6 feet will be appeared as 8 feet to the driver inside. ठीक है, क्या आंसर हो गया? टॉलर। और क्या? Does the apparent depth of the tank of water change if viewed? ये उसका था क्या apparent depth? अच्छा ये मल्टीपल क्वेश्चन थे। Yes, does the apparent depth of the tank of water change if viewed obliquely? If so, does the apparent depth increase or decrease? तो apparent depth कम दिखती है, तो इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जब हमने एंगल बढ़ाया तो apparent depth पर क्या इफेक्ट होता है उसको कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। इसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्लोज टू द नॉर्मल देखने से ज्यादा नॉर्मल शिफ्ट होता है कि ऑब्लिकली देखने से, एंगल बढ़ाने से? तो दिस इज टू बी कैलकुलेटेड विद द फार्मूला नॉट नाउ। ठीक है, ठीक है, ये नॉर्मल शिफ्ट के क्वेश्चन समझ में आ गए। इसमें और क्वेश्चन भी हो सकते हैं। देखिए मैंने लिखे हैं क्या, मैंने गैप तो छोड़ा है, एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहता हूँ इसका। देखो सी एक वन मोर क्वेश्चन देन विल मूव ऑन टू दैट। एक एक वन वन ग्लास स्लैब इज देयर लाइक दिस, ठीक है, जस्ट मिनट। ऐसे ग्लास स्लैब है उसमें कोई कोई एयर बबल है ऐसा, इस साइड से देख रहे हैं हम लोग, तो इट अपीयर्स टू बी एच डैश अपरेंट डेप्थ उसकी से 6 centimeter आ रही, और इधर से देखने से अदर साइड से देखने से अपरेंट डेप्थ कम्स टू बी 8 centimeter, है ना, 9 centimeter कर देते हैं, दूसरी साइड से 9 centimeter। तो अगर इसका रिफ्लेक्टिवनेस 1.5 है तो व्हाट इज द एक्चुअल थिकनेस ऑफ द स्लैब? ये थिकनेस निकालनी है, एक्चुअल थिकनेस कितनी है? ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ से एक्चुअल डेप्थ निकाल लो, ऐड कर दो, इधर से एक्चुअल थिकनेस एक्चुअल डेप्थ निकाल लो, इधर से एक्चुअल डेप्थ निकाल लो, है ना, तो दोनों ऐड कर देंगे या फिर एक साथ निकाल लो। n इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ, यहाँ पे एक्चुअल थिकनेस हो जाएगी, एक्चुअल थिकनेस अपन अपरेंट थिकनेस, n 1.5 है, एक्चुअल थिकनेस निकालनी है हमें, t निकालनी है, अपरेंट थिकनेस हमें कितनी दिख रही है, एक एक तरफ से 6 दिख रही है, एक तरफ से 9 दिख रही, दोनों ऐड कर दो 15, तो एक्चुअल थिकनेस इज 1.5 टाइम्स ऑफ 15, कितना आएगा ये 15 × 7, 15 + 7.5 27, 22.5 सेंटीमीटर। एक्चुअल थिकनेस इतनी है
बट हमें कम दिख रही है, ऐसा दिख रहा है टोटल 15 ही दिख रही, क्यों? इधर से वो इधर ऊपर चला जाएगा, इधर से देख रहे तो थोड़ा नीचे आ जाएगा, तो हमें इतनी फील होगी बस, बट एक्चुअल थिकनेस विल बी 22.5। ये मैंने कंबाइन करके कर दिया। तुम्हारा मेथड क्या होना चाहिए? पहला n इज इक्वल टू एच अपॉन एच डैश, एच वन कर, एक साइड से h1, फिर n इज इक्वल टू दूसरी साइड से h2 अपॉन h1 डैश, तो दोनों h1 एंड h2 जो आएंगे उनको ऐड कर दो तो इतनी आ जाएगी। तो मैंने एक साथ दोनों कर दिया, क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन जो है थोड़ा बहुत चेंज करके पूछ सकते हैं। सबको समझ में आया कि नहीं? ये क्या मैंने पूछा, ये ग्रास लैब था, उसमें बीच में एयर बबल था या कोई फॉरेन एलिमेंट था, तो एक तरफ से देखने से उसको 6 सेंटीमीटर डेप्थ पे दिख रहा है, दूसरी तरफ से देखने से 9 सेंटीमीटर। दिस इज द, अभी यू डोंट आस्क कि सर कैसे इतना, वो माइक्रोस्कोप से देख लेते कितने फोकस करके उसको कितनी डेप्थ है क्या है, दैट इज अ डिफरेंट इशू कैसे मेजरमेंट करते, बट इट इज गिवन टू यू इतना दिख रहा है डेप्थ पर। What is the actual thickness of the slab? But कई बार क्वेश्चन दिए होते हैं, यहाँ पे हम डायग्राम से कर लेते हैं, बट क्वेश्चन रीडिंग के बाद तुम्हें समझ में नहीं आता कि ये सेम क्वेश्चन है ना, इसलिए जस्ट राइट योर इन योर ओन वर्डिंग्स एंड डू इट। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन मैंने प्लान किए थे बट we can do it later। अभी न्यू टॉपिक पे चलते हैं, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल एंड व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डू यू नो, यू डू हैव द आइडिया अबाउट द क्रिटिकल एंगल? क्या होता है क्रिटिकल एंगल? 10th में था, TIR वाज देयर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टॉपिक था क्या? नो सर। नो, चलो पढ़ते हैं। देखो अभी हमने, देखो ये डायग्राम मैंने एनसीईआरटी बुक का ही लिया। देखो अभी ऑब्जेक्ट, सपोज यहाँ पर एक लेजर लाइट है तुम्हारे पास, तुमने उसको फोकस किया ऐसे 90 डिग्री पे, तो वो बाहर निकल जाती है, कुछ पार्टली रिफ्लेक्ट भी होती है, थोड़ी सी पार्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड ऑलवेज, दोनों फिनोमिना होते हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो मोस्ट ऑफ द लाइट विल गो अवे, पार्टली विल बी रिफ्लेक्टेड। फिर तुमने एंगल बढ़ाया, इफ यू इंक्रीज द एंगल तो रिफ्लेक्टेड ऐसे जाएगी, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट भी होगी, थोड़ा होती, इतनी ज्यादा नहीं होती। फिर तुमने और एंगल बढ़ाया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और बढ़ गया, और एंगल बढ़ाया, तो नाउ द लाइट विल गो एट 90 डिग्री विद द नॉर्मल, इट विल गो इंटरफेस, इट विल गो अलोंग द इंटरफेस ऑफ द मीडिया, सो दिस एंगल, एंगल ऑफ व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, कंडीशन क्या है? When light moves from denser, ये denser है, ये rarer है. When light moves from denser to rarer, and at one particular angle, refracted ray is normal because normal perpendicular to the normal. I mean, refracted ray goes along the interface of media. That is, angle of refraction becomes 90 degrees. That particular angle of incidence in the medium is called critical angle. मतलब ये बिल्कुल बिल्कुल क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच गया, रिफ्रैक्शन इज नाउ हैज रीच टू द क्रिटिकल सिचुएशन, उसके बाद होगा कि नहीं पता नहीं, क्रिटिकल मतलब कुछ ना कुछ एक्सट्रीम लिमिट पे पहुंच गया, दैट्स हाउ वी डिफाइन द एंगल। कैसे डिफाइन करते हैं? व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम द डेंसर टू रेयरर मीडियम, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम for which angle of refraction in the rarer medium is 90. उस angle of incidence को हम क्या बोलते हैं? That angle of incidence is called critical angle, IC. IC. Critical angle, C stands for critical, I stands for angle of incidence. So you can write this, you can write in your own wording. कीवर्ड्स क्या आने चाहिए इसमें? डेंसर टू रेयरर जाएगी तभी मिलेगा तुम्हें, नहीं तो इट विल नॉट हैपन। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन द रेयरर मीडियम 90 होगा, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल।
डेफिनेशन है ये आस्क, तो इतने सारे डायग्राम नहीं बनाने, बस ये वाला डायग्राम बना लेना, ये ऐसा यहाँ पे आईसी लिख देंगे। क्लियर टू एवरीवन? यस। जो हमने नोमेरिकल भी दिया था उस दिन, वो क्रिटिकल एंगल का ही था, है ना? ऐसा कुछ था याद है? ऐसे रह गई, फिर ऐसे चली गई थी, नहीं आंसर आया था उसका 90 आया था ना, तो ऐसे डिफाइन कर सकते हो। ए आई सी लिख दो यहाँ पर, ये डायग्राम बना सकते हैं, ये डेंसर ऊपर वाला लेयर। यू कैन मेक दिस डायग्राम इफ डेफिनेशन इज आस्क्ड। नाउ व्हाट यू थिंक, अगर हमने एंगल और बढ़ा दिया तो क्या होगा? इफ आई इज ग्रेटर देन आई सी, नाउ इफ आई इज ग्रेटर देन आई सी, If angle is further increased from the critical angle से और angle बढ़ाया, तो none of the light will come out, all the light will be totally reflected back to the same medium, total reflected ray. So that is a phenomena called TIR. This is the most important phenomena, most frequently asked question board examination में. Write, define it and write the two conditions. देखो TIR को TIR ही पढ़ेंगे, तीर नहीं पढ़ना इसको। Total internal reflection. दो condition होती है total internal reflection. होता क्या है? When I is greater than IC, okay, ऐसे लिखेंगे, when light moves from denser to rarer and angle of incidence is greater than IC, then all the light is reflected back to the denser medium, it is called TIR. So that much is enough. Dono condition include kar di, kya condition hai? Denser to rarer, aur kya hai? I greater than IC. These are the two conditions will give you the TIR. Tum laser light ke sath experiment kar bhi sakte ho. जैसा कि एनसीईआरटी बुक में दिया है, यू कैन सी प्रैक्टिकली ऑल द लाइट इज रिफ्लेक्ट 100%, इवन मिरर जो होता है ना, मिरर में भी 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता, बट दिस इज द फिनोमिना इन विच 100% लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक, नन ऑफ द लाइट इज व्हाट इज कॉल्ड लॉस्ट, 100% इज रिसीव्ड बैक इन द सेम मीडियम। तो इसीलिए जो बायनोकुलर्स वगैरह होते हैं उसमें डायरेक्शन चेंज करनी होती है, तो मिरर से नहीं करते, इस फिनोमिना से चेंज करते, प्रिज्म लगा के, इमेज इज ब्राइट। ठीक है, तो क्लियर? क्रिटिकल एंगल हमने पढ़ा पहले, फिर हम लोगों ने TIR डिफाइन किया। TIR इज द फिनोमिना इन विच लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज केप्ट ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर दैट पेयर ऑफ मीडिया, and then light will be totally reflected back, no loss, zero loss. तो इसका डेरिवेशन भी आता है, डेफिनेशन डिफाइन कर दिया हमने, इसका डेरिवेशन भी करना है अभी हमें, देखते हैं। इफ एनडी इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम और वीडी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम में रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एनडी को हमने डी स्टैंड पर डेंसर, उसके रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी को डी सबस्क्रिप्ट से, रेयर मीडियम जो है उसको आर से रिप्रेजेंट किया। तो यूजिंग द लॉ ऑफ रिफ्रेक्शन, स्नेल्स लॉ, n1 sin θ1, तो n1 क्या है? डेंसर मीन्स डेंसर से जा रही लाइट, इसको एनडी कर लो। ये डायग्राम की रिफर डायग्राम ये है एक्चुअली, देखो ये वाला, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा, तो मैंने एक दूसरा बना दिया यहाँ पे एनडी, इसमें स्पीड की होगी वीडी, ये रेयरर का एनआर ले लो। तो इसमें ये क्रिटिकल एंगल हो गया ना, तो n1 sin θ1, n1 इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, उसी मीडियम में एंगल आई सी है, रेयरर का आर है, उसमें रेयरर में एंगल कितना हो गया? 90 हो गया, ये sin 91 हो जाएगा। तो व्हाट वी गेट, sin IC, ये एनडी को इधर भेज देंगे, और velocity is inversely proportional to refractive index, यहाँ पे rarer है तो यहाँ पे d आ जाए, inversely proportional की वजह से
वी डी आ जाएगा और ये वी आर। यहाँ पे जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा, इनवर्स क्यों लिखा, बिकॉज वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। यहाँ पे सी आता ना, वी इज इक्वल टू सी बाई एन आता ना, इनवर्स रिलेशन है। दिस इज द डेरिवेशन, बट इसको और सिंपल करते हैं इसको। ये हमने थोड़ा सा दोनों मीडियम को, हमने दोनों में से किसी मीडियम को वैक्यूम नहीं लिया, अभी वैक्यूम लेंगे तो ये सिंपल हो जाएगा। देखो तो ये रिलेशन को और सिंपल करते हैं। देखो, इफ रेयरर मीडियम इज वैक्यूम और एयर, देन एन आर विल बी वन, और डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन लिख देंगे फिर, देन व्हाट वी गेट दिस रिलेशन, दिस इज अ सिंप्लीफाइड रिलेशन। जनरली एक मीडियम एयर ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन हो जाएगा। जैसे सपोज कोई ग्लास है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट टू है, या प्लास्टिक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट टू है, तो उसका वैक्यूम के साथ या एयर के साथ क्रिटिकल एंगल कितना आएगा, 45 आ जाएगा। यहाँ पे रूट टू लिख देंगे तो 45 आ जाएगा राउंड फिगर में। अच्छा, क्वेश्चन भी आगे दिया मैंने, वैसा ही कुछ दिया देख, तो ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्रिटिकल एंगल एंड टी आई आर का, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। तो डायग्राम ये वाला बना सकते हैं, दिस एंगल इज 90। अच्छा, टी आई आर के लिए तुम्हें इसमें एक एक पॉइंट और ऐड करना पड़ेगा। टी आई आर के लिए ऐसे दिखाना पड़ेगा, डेरिवेशन के लिए तो हम बोल रहे थे, ये वाला सिचुएशन भी दिखानी पड़ेगी। टी आई आर डेरिवेशन के लिए क्रिटिकल एंगल ही लिया हमने यहाँ पे। देखो तो सिंपल क्वेश्चन, देखो ये बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ तक ओके, जस्ट सी अगेन वंस। तो ये जो फिनोमिना है ना, दिस इज वेरी नेचर में यू कैन ऑब्जर्व इट। अभी आई विल गिव यू द एग्जांपल मैंने अभी इसका एक भी नहीं दिया, तो वेयर इज द व्हाट आर द एग्जांपल बेस्ड ऑन द टीआईआर। डायमंड की जो शाइनिंग है, इट इज ड्यू टू द दिस ओनली, लेस मोर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, लेस क्रिटिकल एंगल, है ना। तो आई विल डिस्कस द एग्जांपल्स ऑफ दिस। ऑप्टिकल फाइबर भी इसी पे वर्क करता, फिनोमेना ऑफ टी आई आर पर वर्क करता। ठीक है, तो इसका सिंपल न्यूमेरिकल कर लो जल्दी से, ये बताओ, डू इट योर सेल्फ एंड टेल मी द आंसर इन हियर इटसेल्फ। इफ द क्रिटिकल एंगल ऑफ मीडियम इज 45 डिग्री, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जब हम क्रिटिकल एंगल ऑफ मीडियम बोलते हैं तो वैक्यूम के साथ उसका होता है, वैक्यूम के साथ। ये सेकंड मीडियम इज वैक्यूम ऑलवेज और एयर, सेकंड मीडियम इज वैक्यूम और एयर ऑलवेज। देन n इक्वल्स √2, n इज इक्वल टू √2, हमें उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट चाहिए, तो इस फार्मूले से n निकाल लिया, sin ic is equal to 1/n, so sin ic, sin 45 will be √2 is equal to 1/n, so n is equal to √2 आ गया, but हमें speed चाहिए उस medium में light की, speed of light in that medium, what to do next, n is, since n is equal to c/v, ये हमने डिफाइन किया था, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। v निकालना है तो इट विल बी c/n, तो c इज 3×10⁸ डिवाइड बाय √2। 1/√2 की वैल्यू याद है कितनी होती है, एसी में पढ़ा था, 1/√2 इज 0.707।
तो 0.707 इंटू 3 इंटू 10^8 तो कितना आ रहा है, ये 2.1 है ना, roughly 2.1 इंटू 10^8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यू दिस कैन बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। एनी डिफिकल्टी इन दिस? तो अभी इसके व्हाट एवर टाइम इज रिमेनिंग वी विल सी द एग्जांपल्स। क्वेश्चन ऐसा आता है, राइट द टू एक्सप्लेन द गिव द टू एग्जांपल्स एंड ऑल, या फिर कंप्लीट द रे डायग्राम ऑफ दिस। तो देखो ये वाला ओके, ये थोड़े से एग्जांपल्स हैं इसकी, मतलब क्रिटिकल एंगल की वैल्यूज, ये डोंट हैव टू बाय हार्ट नहीं करना है इसको, जस्ट देख लेते। वाटर का 1.33 है तो इट इज 48.75, क्लोज टू 49 डिग्री रफली, और दिस इज क्राउन ग्लास एंड ये, तो दिस इज 42 एंड 41 के आसपास है। ठीक है, डायमंड का देखो काफी कम है, डायमंड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 2.42 है, तो क्रिटिकल एंगल इज वेरी स्मॉल 24.41। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है, इफ रिफ्रेक्टिवनेस ऑफ ग्लास वाटर डायमंड आर गिवन, देन फाइंड आईसी क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास एंड वैक्यूम, वाटर एंड वैक्यूम, डायमंड एंड वैक्यूम। ये तो ऊपर सॉल्व कर ही दिए उन्होंने, 1.33 से 49 के आसपास आ जाएगा 1.33 से। ग्लास का अभी 1.5 है तो थोड़ा डिफेक्टिव इंडेक्स और कम हो, इसमें ज्यादा है इसमें कम है, तो ये 42 के आसपास आ जाता है। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये इट विल बी कमिंग वेरी क्लोज टू 42 डिग्री, बिकॉज यहाँ से टेबल से 41 पॉइंट समथिंग है और ये थोड़ा कम है, तो थोड़ा इनवर्स है ना आई सी 1/n, तो इट विल बी कमिंग वेरी क्लोज टू 42 डिग्री। तो यू कैन गेट रफ आइडिया हमें चाहिए इसका कितना आ रहा है, 49 डिग्री आ रहा है। डायमंड का लिखा है बट ये करने की जरूरत नहीं, ठीक है 24 के आसपास लिख दिया। बट मेरा क्वेश्चन ये है, देखो माय क्वेश्चन इज दिस, इसी का सेकंड पार्ट जो कि बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, फाइंड क्रिटिकल एंगल, फाइंड फाइंड क्रिटिकल एंगल IC for glass and water। ये कैसे करेंगे, एंड इसका क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा कि घटेगा? सपोज हमने ग्लास को एयर में रखा, देखो जस्ट लिसन केयरफुली, ग्लास को एयर में रखा हुआ है तो क्रिटिकल एंगल जो है 42 के आसपास आ रहा है, वाटर के अंदर डाल देंगे तो बढ़ेगा कि घटेगा, क्रिटिकल एंगल विल इंक्रीज और डिक्रीज? लेट्स सी फार्मूला देखते हैं। साइन आई सी, ये फार्मूला भी तुम्हें इजीली, फार्मूले को रटने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस लगाओ। तो यहाँ पे कंफ्यूजन तुम्हें होगा, यहाँ पे देखो एन डेंसर लिखे कि रेयर लिखे, एन डी ऊपर आएगा कि एन आर ऊपर आएगा, बोलो। साइन आई सी की वैल्यू मोर देन वन तो हो नहीं सकती, साइन की वैल्यू मोर देन वन नहीं हो सकती, तो डेंसर ऊपर नहीं आ सकता है ना, रेयर आएगा ऊपर, तो डेंसर डिनोमिनेटर में आएगा। Agreed or not? Sine cannot be more than one. Sine theta cannot be more than one. तो ये तुम्हारा आ जाएगा वाटर का 4/3 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 1.5 है, तो this comes 4/4.5 या 8/9 हो गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू लॉग टेबल में देखनी पड़ती, तो this IC I think 63 के आसपास आता है। It has gone up. ग्लास में, ग्लास को पानी में डाल दो, it is going up, critical angle goes up। तो ये कल बताना कितने आ रहा है,
लॉग टेबल से चेक करके बताओ, नहीं तो अभी बताओ, चेक करके चेक करो और बताओ। ठीक है, ओके देन। तो इस तरह से अगर इसमें कोई कंडीशन डाल दी, देखो एक पॉइंट और पूछता हूँ, अगर मैं ऐसे कंडीशन डाल दूं कि रे जो है वाटर से गिलास की तरफ जा रही है, बोलो तब क्या होगा क्रिटिकल एंगल? ये वाटर है, ऊपर गिलास है, रे इज गोइंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास, तब क्रिटिकल एंगल क्या होगा? देन क्रिटिकल एंगल विल नॉट बी ऑब्टेन्ड बिकॉज रेयरर से डेंसर में जा रही, जाना कहाँ चाहिए? डेंसर से रेयरर में जाना चाहिए। कंडीशन के साथ पूछेंगे तब यू जस्ट रीड इट केयरफुली। अगर जनरल पूछ लिया ग्लास एंड वाटर का चाहिए, तो इसका मतलब देयर विल बी वन क्रिटिकल एंगल। बट अगर हमने वैसे बोल दिया रे जो इज गोइंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास, तब जो है क्रिटिकल कंडीशन विल नॉट बी ऑब्टेन्ड। डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए, तभी एंगल बढ़ता है, रिफ्रेक्शन एंगल। ठीक है, तो इसमें एप्लीकेशन देखते हैं। ये क्वेश्चंस क्या थे, ये कौन सा क्वेश्चन? हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कैसे छूट गया? अच्छा देखो, ओके सिमिलर क्वेश्चन ये भी है शायद, नहीं ये नहीं। ऑलराइट, क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ, ये एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है। जस्ट लेट मी सी वेदर ऊपर तो नहीं, ओके लेट मी सर्च दैट क्वेश्चन। ये एप्लीकेशन है, विल सी इन शॉर्ट वाइल दिस यू कैन डू, जस्ट अ मिनट। Okay, somewhere it will be here. Answer the question, sir. Let me search. कहाँ चला गया? नहीं ये तो हो गया है। Okay, I missed that question. In fact, I am giving you in general form. Chalo, theek hai. That question I am searching. Okay, dekho. This is very important question. जैसे ये क्वेश्चन है, चलो इसको जो है इधर करो, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। हाँ चलो ठीक है, देखते हैं यही होगा सर। स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द टैंक कंटेनिंग वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर through which light from the bulb comes, bulbs can emerge out. Refractiveness of water is 1.33. Consider the bulb to be the point source. ठीक है, 9.5 लिखा था, हाँ यही तो है। ठीक है, okay. I got that question, same question. तो देखो इसको, this is beautiful question. इसके लिए लेट मी वन पेज, ऑलराइट देखो ये इसका डायग्राम बनाऊं, कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन? वी हैव द स्मॉल बल्ब एट द बॉटम ऑफ द टैंक कंटेनिंग वाटर, यहाँ पे बल्ब है ठीक है, डेप्थ दी हुई है
will derive it in general terms. H के terms में मैं पहले कर रहा हूँ, because that you have to remember that formula. और what is the area? यहाँ पे क्या होगा, तो कोई एरिया जैसे ये लाइट आई, वन सिचुएशन विल कम, लाइट यहाँ से टी आई आर होना शुरू हो जाएगी, इट विल गो टू द इंटरफेस, है ना, थोड़ा सा और एंगल बढ़ा देंगे तो इट विल नॉट इमर्ज. तो कितना एरिया, हाउ मच एरिया यू शुड कवर एट द टॉप सरफेस सो दैट लाइट डजंट इमर्ज आउट, है ना, ये ऐसे आ गए. इसको रिफ्लेक्टिवनेस एन ले रहे हैं, हम जनरल टर्म में करेंगे, फिर तुम वैल्यू पुट कर देना उसको. ये हाइट एच है, ठीक है, ओके, दो बार लिख देंगे. और ये अबी देखो, इसमें बताओ क्या करना है, हाउ व्हाट शुड बी द अप्रोच. मोमेंट द क्रिटिकल एंगल इज रीच, लाइट विल नॉट कम आउट, यू कवर दिस मच एरिया ओनली. सपोज जैसे स्विमिंग पूल है, फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग पूल है, बीच में बल्ब लगाया उसके बिल्कुल सेंटर में, तो तुम्हें बोला जाए कितना एरिया ऊपर से कवर कर दे, तो यू कैन नॉट सी द बल्ब, यू कैन नॉट सी द बल्ब. यहाँ पे खड़े हो, सपोज यू आर स्टैंडिंग हियर, तो अगर एरिया एरिया थोड़ा सा एक्स्ट्रा कवर कर दिया, ऑलमोस्ट क्रिटिकल एंगल से जस्ट 0.0001 एक्स्ट्रा कवर कर दो, है ना, तो यू कैन नॉट सी, डायरेक्ट देख नहीं सकते उसको यहाँ से बल्ब को, ऐसा ऐसा नहीं, इधर से जो रे आएगी इट विल बी टी आई आर, तो पूरा एरिया कवर करने की जरूरत नहीं, यू कवर द एरिया एज पर द क्रिटिकल एंगल सिचुएशन, दैट्स ऑल. That bulb cannot be seen, that source cannot be seen, object cannot be seen. कभी कभी तुमने देखा होगा पानी के अंदर जो डाइवर रहते हैं, ऊपर से सर्कल में ही लाइट दिखती है बस. अगर तुम ऑब्जर्व करो डाइवर्स जो रहते हैं ना नीचे से, जब पानी के अंदर से फोटो, तो ऐसे उतनी लाइट दिखती है बस, उतने एरिया से लाइट अंदर आ सकती है या उतने से बाहर जा सकती है बस. तो ये एरिया चाहिए, तो यहाँ से ये दिस इज द क्रिटिकल एंगल IC, तो ये भी IC हो जाएगा अल्टरनेट एंगल, तो 10 IC इज रेडियस R, R इज द रेडियस ऑफ दैट टॉप सरफेस, R बाय H, ठीक है, तो हमें IC क्रिटिकल एंगल नहीं दिया है, तो निकाल सकते साइन IC से, R इज इक्वल टू H 10 IC, क्या हो गया, About two, last minute है, तो 10 IC की value refractive index के term में put कर दो, sin IC क्या होता है, sin IC से right angle triangle बना लो, और 10 IC की value put कर दो, ये IC अगर है, तो sin IC कितना होता है, 1 upon n, तो 10 IC ये कितना हो जाएगा फिर, n square minus 1, बस यही derivation हो गया, जनरल डेरिवेशन कर लिया हमने, 10 आई सी इतना, तो ये आर आ गया, एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर,